अस्सलामुअलैकुम। डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। आज इंडेक्स जो है केसी 100 इंडेक्स में हमने 729 पॉइंट्स का जो इज़ाफ़ा देखा और इंडेक्स जो है वो 39,784 के लेवल पे बंद हुआ है। ओवरऑल आज जिस तरह लास्ट डे जो एक मार्केट के अंदर जो एक्टिविटीज़ थी काफ़ी मोमेंटम हम पॉजिटिव देख रहे थे, वही चीज़ जो है वो आज के दिन भी कंटिन्यू रही। और आज अगर वॉल्यूम्स वाइज बात करें तो 200 मिलियन से ऊपर शेयर का जो है आज ओवरऑल शेयर के इंडेक्स के अंदर जो है वो काम भी हुआ है। रीज़न हम सबके सामने हैं जो एक IMF के हवाले से कल ड्यूरिंग द मार्केट और फिर मार्केट के बाद भी खबरें आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दी है कि IMF की जो भी कंडीशन है उसे मीट किया जाए। इसके साथ साथ जो टैक्सेस न्यू मेजर लगाने हैं उसका भी ड्राफ्ट तैयार हो गया और IMF के भी सुनने में आ रहा है कि वो वर्चुअल मीटिंग के लिए रेडी हो गया है और अगर पाकिस्तान अपनी सारी कंडीशन मीट कर लेते हैं और वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर इसके बाद वो अपना वफ भी जो है वो पाकिस्तान भेजेगा। तो इसके बाद ये चीज़ नज़र आई कि जाहिर सी बात है जो एक मोमेंटम था या इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था वो जो बिल्ड होता हुआ नजर आया। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कल से जो है वो जो सर्कुलेट कर रही थी और वो काफ़ी जो है उसके बारे में डिस्कशन भी हो रहा था, वो इंटरबैंक जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर के रेट के हवाले से जो एक कैप लगाने का, कैप जो लगा हुआ था उसे हटाने का जो एक्सचेंज कंपनीज ने जो है वो डिसीजन लिया था। इसके बाद हमने देखा कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो 252 के लेवल से ऊपर जो है वो चले गया था, लेकिन बीच में कुछ डिसीजन हुए, कुछ डिस्कशन हुए और आपस में कुछ बातचीत, इसके बाद डॉलर जो वापस जो है 243 का ओपन मार्केट के अंदर आ गया। इसके अलावा इंटरबैंक की बात करें तो इंटरबैंक में बहुत मामूली से हमने इजाफा देखा और अभी 230 के लेवल से ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जिस तरह चीज़ें बातें चल रही हैं पॉसिबल इकोनॉमी के लिए IMF का प्रोग्राम में जाना बहुत ज़रूरी है, तो जिस तरह हम उसके करीब जा रहे हैं सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन के हवाले से खबरें आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस की बढ़ाने की खबरें आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें थी जिन्होंने ब्लू चिप स्टॉक को जो है काफ़ी सपोर्ट किया। और जिस तरह पिछले कुछ टाइम से OGDC PPL जो चलते हुए आ रहे हैं उन्होंने आज भी मार्केट को सपोर्ट किया। इसके बाद एंग्रो की बात करें, फिर बैंकिंग सेक्टर HBL जो आज हमने काफ़ी टाइम के बाद देखा कि उसने एक अपर लॉक जो है वो हिट किया। इसके साथ साथ डिफरेंट और जो बैंक्स हैं उन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया जिसने ओवरऑल इंडेक्स को जो है एक मोमेंटम दिया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ कल भी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। और जिन स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा काम हुआ है उसमें अगर बात करें तो WTL, TPLP, PPL, SNGP और TRG शामिल है। और पॉसिबली कल जो है ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और इसी तरह मार्केट जो है वो शायद कल का दिन भी जो एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बाकी ड्यूरिंग जो वीकेंड्स है वो खबरें किस तरह की आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि शायद जो सुनने में खबरें आ रही हैं कि 1 फरवरी से जो है वो न्यू जो मिनी बजट लेकर आना है, जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है वो 1 फरवरी से इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो इसके बाद मेरे ख्याल से पॉसिबली जो है वो थोड़ा सा जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट के ऊपर जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। तो मेरे ख्याल से न्यूज़ पे ध्यान रखना चाहिए और जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होती है वहाँ प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए और इसके साथ साथ काफ़ी थोड़ा सा देख के जो है ब्लू चिप आइटम के अंदर जो है वो एंट्री ली जा सकती है। थैंक यू।